नमस्कार दोस्तों, योगा लाइफ में आपका स्वागत है। मैं उजाला कटारिया। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे कंधों की दर्द से, गर्दन की दर्द से कैसे छुटकारा पाया जाए। अक्सर क्या होता है, सारा दिन बैठने के बाद कंधे जो हैं काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं। कोई भारी काम कर लिया, कुछ ज़्यादा काम कर लिया, गर्दन झुका के काम कर लिया, तो क्या होता है, हमारा जो ये पोर्शन है नेक से शोल्डर तक काफ़ी स्टिफ हो जाता है, जकड़ जाता है, तो हम उसके बाद बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं फील कर पाते। तो जानते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम हैं, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल हैं, आपके लिए काफ़ी आपको हेल्प करेंगी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो सबसे पहले करते हैं हम नेक की एक्सरसाइज। अगर नेक में दर्द है, कंधों में दर्द है, तो कभी भी हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक प्रिकॉशन रखेंगे, गर्दन को थोड़ा टाइम के लिए आगे ना झुकाएं, ज़्यादा आगे ना झुकाएं, ये थोड़ा सा कर सकते हैं हम। तो जो एक्सरसाइज करनी है, जो नेक रोटेशन करना है, सबसे पहली एक्सरसाइज, वो भी हम सिर्फ सेमी सर्कल करेंगे, अर्थात सर्कल जो करना है पीछे पीछे करना है। देखेंगे कैसे। सबसे पहले क्या करना है, धीरे से अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं। अब सांस लेते हुए अपनी राइट साइड इस तरह से अपने कान को जो है शोल्डर के साथ टच करेंगे, और ये शोल्डर जो है ऐसे अपने ही करना, इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे। फिर सांस लेते हुए पीछे की तरफ वापस आधा सर्कल सांस लें, और सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ये शोल्डर को पूरा नीचे की तरफ स्ट्रेच रखें, ऊपर नहीं जाने देना इसको, नीचे की तरफ। इनहेल आधा सर्कल, एक्सहेल राइट साइड, स्लोली स्लोली फिर सांस भरें, पीछे की तरफ ले जाएं, सांस छोड़ें लेफ्ट साइड। वेरी गुड, मेरे साथ करने की कोशिश करें। इनहेल बैक साइड, एक्सहेल राइट साइड। एक बार और करेंगे हम, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, और इनहेल वापस सेमी सर्कल। गर्दन में जो स्टिफनेस है, जो थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा इसको करने से। ये तो था नेक रोटेशन जो हमने किया सेमी सर्कल में। इनहेल और एक्सहेल का ध्यान रखना है तो और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब हम करेंगे शोल्डर की। क्या करना है, इनहेल करते हुए शोल्डर को अप करें, सांस भरते हुए। हाथों को ऐसे रखें, नीज पे प्लेस करके रखें, ठीक है। फिर करेंगे इनहेल, एक्सहेल। एक बार और, इनहेल एक्सहेल। अब शोल्डर को रोटेट करेंगे ब्रीदिंग के साथ, अच्छे से देखेंगे कैसे। सांस को भरते हुए शुरू करेंगे, देखें आगे से, आगे से पीछे की तरफ। अब एक्सहेल, ऊपर जाते हुए सांस मैंने लिया और वापस आते हुए सांस छोड़ा। फिर करेंगे पूरा आगे पूरा पीछे, तीन बार ऐसे किया। अब मैं इसका उल्टा करूंगी, पीछे से आगे की तरफ शुरू करेंगे, सांस लेते हुए खत्म करेंगे सांस छोड़ते हुए। देखेंगे कैसे, किस प्रकार करना है। आधा सर्कल सांस लें, आधा सर्कल सांस छोड़ें, बिल्कुल धीरे धीरे, फास्ट फास्ट नहीं करना है, ऐसे ऐसे तेज तेज नहीं करेंगे, धीरे धीरे एक रिदम बनाते हुए स्लोली स्लोली। तो चलिए जानते हैं इसकी शोल्डर की दूसरी एक्सरसाइज। दोनों हाथों को शोल्डर ब्लेड पे रखेंगे इस प्रकार। अब क्या करना है,
सांस लेते हुए अपनी एल्बोज को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, आगे से पीछे की तरफ जाना है। इनहेल, देखें कोहनियां बिल्कुल आसमान की ओर चली गई हैं। अब क्या करना है, एक्सहेल, वापिस, आधा अधूरा नहीं करेंगे, ऐसे यहां से वापिस नहीं जाना है, ठीक है, पूरा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। दोबारा करें, ऊपर तक, वापिस नीचे, कंप्लीट सर्कल करना है, पूरा ऊपर तक लेके जाएं, फिर पूरा नीचे आए, स्पीड से नहीं करेंगे, एक रिदम के साथ धीरे धीरे ब्रीदिंग के साथ, योगिक ब्रीदिंग रखेंगे, लंबा और गहरा श्वास, फिर करेंगे, मैंने तीन बार सीधा किया, अब तीन बार उल्टा, सांस भरते हुए पीछे की तरफ, छोड़ते हुए आगे, इस तरह। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें और अपनी ब्रेथ के साथ साथ ही जो है अपना सर्कल कंप्लीट करें और बैक जो है बिल्कुल स्ट्रेट रखें। ऐसे बैठकर नहीं करेंगे, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैक को स्ट्रेट रख के, नेक को स्ट्रेट रख के, ना ज़्यादा पीछे की तरफ जाना है, ना ज़्यादा आगे की तरफ आना है, सही पोजीशन में रहते हुए इन तीन एक्सरसाइजेस को करें तो देखिए कैसे चुटकी में आपका दर्द दूर होता है, कैसे आपकी स्टिफनेस दूर होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार जो हैं मेरे साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।